तो आज प्रैक्टिस रजिस्टर में शुरू करना है और क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करेंगे बच्चों आपके साथ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। तो इसमें दो पार्टनर्स हैं, मीता और उषा। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल शोड द बैलेंसेज ऑफ ₹1,40,000 एंड ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब ये कि मीता और उषा की आपको कैपिटल्स दे रखी हैं, मीता और उषा की आपको ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, और लिखा है बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। तो इस डेट पर आप बादल या ब्लॉक बना लो, तो थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा, याद रहेगा कि इन्होंने ड्राइंग्स जो करी है वो 1 जनवरी को करी है। ये डेट याद रखनी है, इन्होंने ड्राइंग्स किस दिन करी है, 1 जनवरी 2016 को करी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। तो बताओ ये कौन सा एरर है, ओमिशन, भूल गए। अब हम कुछ भूल गए, क्या भूल गए हैं, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तीन चीज़ें भूल गए हैं बच्चों, तीन चीज़ें भूल गए हैं। ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम, ये लेना भूल गए हैं। और सी, मीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेना भूल गए हैं, और मीता को ₹8,000 का कमीशन हम देना भूल गए हैं। शो योर वर्किंग्स क्लियरली पास रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आपको सेम इस तरह के एग्जाम्पल करवाए थे लास्ट लेक्चर में, जो आपको ऑब्वियसली याद नहीं है, है ना। वैसे संख्या के हिसाब से हो सकता है एग्जाम्पल नंबर 7 या 8 में से कोई होगा जिसमें इसी तरह की कहानी थी, तो जो आपको शायद याद नहीं होगा। ठीक है, तो अब लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन, कैसे करना है एग्ज़ाम में, आप बताओ किसको याद है सॉल्यूशन कैसे करना है एग्ज़ाम में। 3 लाइन की जगह छोड़नी है, फिर उसके नीचे लिखना है वर्किंग नोट। ठीक है, सुंदर वर्किंग नोट बनाना है आपको। चलो तो एक सुंदर सुंदर ढांचा बनाओ मेरे साथ साथ। क्या नाम है पार्टनर्स के, मीता और उषा। चलो अब पहले आप बताने की कोशिश करो, ताकि ऐसा लगे कि क्लास जो है वो इंटरैक्टिव है। कौन बता सकता है कि क्या स्टेप लिखना चाहिए, पहले क्या लिखना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, इसका मतलब बच्चों ने याद कराया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, मतलब अब हम दे देंगे। तो पहले कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि मीता और उषा को कितना इंटरेस्ट देना है। 6% पर एनम, तो उनकी कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, मीता की दे रखी है 1,40,000। तो 1,40,000 का 6% निकालो, 8,400, और उषा की कैपिटल है 1,20,000, इसका भी 6% निकालो, कितना आएगा, 7,200। तो ये सब बच्चे सेटिस्फाई इसमें, ठीक है। तो ये फिगर लिख लो बच्चों आप भी, 8,400 मीता में और 7,200 उषा में। फिर सेकेंड स्टेप बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, वेरी गुड। मैं तो अब सोच रहा हूँ डेबिट वाली चीज़ों को लाल कलर से लिखूँगा ताकि अलग से चमक में आए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, तो हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए थे, तो अब ले लेंगे। तो भाई उन्होंने ड्राइंग करी है 1 जनवरी 2016 वाले दिन, ये डेट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट डेट थी। उन्होंने ड्राइंग कब करी है बच्चों, 1 जनवरी 2016 वाले दिन। तो 1 जनवरी 2016 का मतलब है कि जनवरी का पूरा महीना हो गया, फरवरी का पूरा महीना हो गया, और मार्च का पूरा महीना हो गया। तो आप कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 3 मंथ्स के लिए।
तो आओ, मीता की ड्राइंग है 32,000, उसका 6% कैलकुलेट करते हैं 3 महीने के लिए, तो ये कितनी फिगर आएगी आप बताओगे? 480। ओके। और इसी तरह उषा की ड्राइंग है 24,000 रुपये, उसका 6% 3 महीने के लिए कितना आएगा? 360। ओके। तो ये फिगर सब बच्चों को क्लियर? ठीक है, तो ये फिगर लिख लेते हैं, 480 और 360। 480 मीता से ले लेंगे और 360 उषा से ले लेंगे। तो दो गलतियां तो हमने ठीक कर ली, और तीसरी गलती, और क्या देना भूल गए थे हम? कमीशन। मीता को कमीशन देना भूल गए थे हम, 8,000 रुपये। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अब हम? कमीशन डेबिट, क्रेडिट। हाँ, देना है आपको क्रेडिट 8,000 रुपये मीता को। यहां तो सबको याद आ गया, ठीक है। अब भगवत गीता का पाठ क्या सिखाया था? जो साइज छोटी नहीं है, कमजोर का साथ देना है, सैनिक घर से लेके जाने हैं। तो अब ये बताओ, क्रेडिट की टीम में टोटल कितने सैनिक हैं? क्रेडिट की टीम के सैनिक गिनते हैं। क्रेडिट की टीम में टोटल कितने सैनिक हैं? 16 और 3 23,600। फिर डेबिट के टीम के सैनिक गिनते हैं, 480 और 360। कितने सैनिक हैं? 840। तो बेचारी डेबिट की टीम में तो बहुत कम सैनिक हैं। याद आ गई स्टोरी? तो आप घर से कितने सैनिक लेके जाओगे ताकि लड़ाई बराबरी की हो जाए? बताओ कितने सैनिक लेकर जाओगे? 22,760 सैनिक लेकर जाओगे। और कौन सी टीम ज्वाइन कर लोगे? डेबिट की टीम ज्वाइन कर लोगे। याद आ गया सबको? चलो, तो मेरा काम था बस एक बार याद दिलवाना। तो अब लिखो अंग्रेजी, 22,760 इन क्या है रेशियो? 2:3, ये गिवन था, 2:3। और डेबिट, डेबिट की टीम ज्वाइन कर लो। तो 22,760 रुपये को 2:3 में बांट के आप बताओ क्या आएगा? तो मीता का आ रहा है जी 9,104। ओके। और उषा का 13,656। ठीक। तो अब हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं या नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो मीता का नेट इफेक्ट फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सिक्स वन एट सिक्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और उषा का 6,186 नेगेटिव, 6,816। ओके, तो 6,816 आ रहा है। तो 6,816 पॉजिटिव आ रहा है मीता का और 6,816 नेगेटिव आ रहा है उषा का। तो अब आपका मेन सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? तो लिखो उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,816 टू मीतास कैपिटल अकाउंट 6,186। तो क्लियर हो गया बच्चों जी सबको? क्लियर ये वाला? चलो ठीक है, अब अगला करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 63। ए कॉमा बी कॉमा सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल। बताओ फिक्स्ड कैपिटल सुन के आपको क्या लगा? वेरी गुड, कि ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं। तो देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, ओके. इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, ओके. सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी. तो ये ऑब्वियसली बात है, आप सब भूल चुके होंगे इन सब बातों का मतलब, है ना, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया. आफ्टर का मतलब IOC देने के बाद, वेरी गुड. और बिफोर का मतलब सैलरी देने से पहले, ठीक. तो तीन चीजें हमें देनी है भैया, इसमें IOC देना है पार्टनर को, बी को सैलरी देनी है 1500 प्रति माह की, और सी को कमीशन देना है. लेकिन अब देखो आगे गलती क्या हुई होगी, मुझे तो पता लग रहा है. कह रहा है द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. तो ये हो गई गलती नंबर वन. उन्होंने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया. उन्होंने रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया. समझ आ गई गलती नंबर वन. अच्छा, उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी थी एक बार बताओ. 60, 40, 20. तो इसका मतलब उन्होंने 60, 40 और 20 के रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया. तो 60, 40, 20 मतलब हो गया 3:2:1. तो आपको पहले समझ आ गई गलती नंबर वन क्या है, उन्होंने गलत रेशो में डिवाइड कर दिया. और फिर उसके आगे गलती नंबर टू, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स. तो गलती नंबर टू क्या हुई बताओ, गलती नंबर टू क्या हुई? ओमिशंस. वेरी गुड. तो वो भूल भी गए बहुत सारी चीजें देना. वो क्या क्या चीजें उन्होंने ओमिशन कर दिया? तीन चीजों का. IOC नहीं दी, बी को सैलरी नहीं दी, सी को कमीशन नहीं दिया. तो ये हो गया मल्टीपल एरर वाला वो एग्जांपल हमारा जो हमने सीखा था, कि जिसमें रेशो में भी गड़बड़ हो गई और भूल भी गए. क्लियर हो गया सवाल? तो इस सवाल पे लगाओ सितारा. तो 63 पे आपको स्टार लगाना है. तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. और देखो मेरे बोलते ही मैंने देखा ये 2 साल पहले एग्जाम में आ भी चुका है, CBSE 2019. तो आपके एग्जाम में इस तरह के गलती वाले क्वेश्चन आएंगे. समझ आ गए आपको सबको? चलो तो अब सॉल्यूशन लिखते हैं मेरे साथ, आइए. तो तीन लाइन तो आप छोड़ दो मेन आंसर के लिए, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल, वर्किंग नोट. चलो तो इस बार रेस लगा रहे हो मेरे साथ कि कौन जल्दी करेगा बताओ. एलन कह रहा है सर रेस लगाएंगे हम. एलन ने मुझे आज दिन में फ़ोन करा था, कह रहा था सर आज आप क्या करवाओगे. मैंने कहा आज क्वेश्चंस करेंगे. तो उसने कहा कि सर फिर मैं नहीं आऊँगा आज, क्योंकि क्वेश्चन आप सारे खुद ही कर देते हो तो हमें करने का फिर मौका नहीं मिलता. तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को मौका देते. चलो तो मैं करता हूँ एक और क्वेश्चन, चलो लेकिन आपसे पूछ के करता हूँ. तो फॉर्मेट तो बन गया. अब बताओ, अब आप बताओगे, अब इस सवाल में मैंने एग्जांपल में सिखाया था, अब इस सवाल में आपका स्टेप वन क्या होगा? वेरी गुड. जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट उनको रॉन्ग रेशियो में दिए, वो पहले हम उनसे क्या करेंगे? वापस ले लेंगे. वेरी गुड, शाबाश. तो याद है बच्चों को इसका मतलब. तो लिखो पहला स्टेप, 80,000 रुपी इन 3:2:1. ये कौन सा रेशियो होता है? रॉन्ग रेशियो होता है, ठीक है ना. तो 80,000 रुपी इन 3:2:1 क्या करना है? डेबिट. उनसे वापस ले लो, इनसे पैसे वापस ले लो पहले. तो लो कितने रुपए हो गए वापस लेने के? 40,2,667,1,333. तो क्या ये सही है? सही है? संदेह क्यों कर रहे हो? 3:2:1 में ही तो डिवाइड करा है, वो अप्रॉक्सीमेट कर दिया ना, वो डेसिबल में आ रहा है. तो मैंने एक को थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर लिया.
चलो, तो पहला स्टेप तो आपने सही बताया, तो हमने रॉन्ग प्रॉफिट उनसे वापस ले लिए। अब अगला स्टेप बताओ, अब क्या करना है? वेरी गुड। अब हम जो चीज़ें भूल गए थे वो उन्हें दे देंगे। तो IOC क्रेडिट तो दे दो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालनी है, तो 5% निकालो इनकी कैपिटल्स का, 3,000, 2,000 और 1,000। तो 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है, ओके। तीसरा स्टेप बताओ, सैलरी क्रेडिट किसको करनी है? सैलरी क्रेडिट बी को, तो 1,500 लिख दूं? 18,000 कह रही है मैडम, वेरी गुड। तो 1,500 तो पर मंथ थी, 1,500 तो पर मंथ थी, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 18,000। फिर उसके बाद स्टेप फोर बताओ, स्टेप फोर कमीशन, वो भी देना भूल गए थे हम। कमीशन किसको देंगे? सी को। अब कमीशन निकालेंगे कैसे? डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मेरे दोस्त, हाँ ऐसे बोलो ना, उसने कहा था कि प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग, देखो पढ़ लो दोबारा, प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितने रुपए दे रहे हो आप, 3 और 2 और 1, 6,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो आप। तो पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस करो, 6,000 को, कितना बच गया? 74,000। तो 74,000 का आपको 5% निकालना है, 74,000 का 5% निकालना है, समझ आ गया सबको? तो कितने आएगा ये? 3,700। तो सी को कमीशन 3,700 रुपए देना है हमको, क्लियर हो गया? चलो, तो सारे स्टेप हो गए, अब लास्ट स्टेप किसी को याद है? करेक्ट प्रॉफिट, वेरी गुड, जिसमें मैंने क्या लिखवाया था, 9 में से 10 नहीं, 10 में से 9 बच्चे गलत करते हैं। तो करेक्ट प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे और उसको किस रेशियो में बांटना है हमको? करेक्ट रेशियो में, करेक्ट रेशियो था ये वाला 2:2:1, ये करेक्ट रेशियो था इनका 2:2:1। तो करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में निकालना है जी, क्रेडिट। चलो, तो करेक्ट प्रॉफिट कौन बच्चा बताएगा? अब सीधा मैं माइनस करके निकाल दूं, PNL अप्रूव बना के तो नहीं दिखाऊं, वो एग्जांपल में सिखाने के लिए बना दिया था। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं, 80,000 में से आप इंटरेस्ट 6,000 पे कर दोगे, सैलरी 18,000 पे कर दोगे, 3,700 कमीशन पे कर दोगे, तो क्या बचेगा? डिविजिबल प्रॉफिट सही, क्या बचेगा? 53,000, अच्छा 52,300 ये बचेगा। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को? PNL अप्रोप्रिएशन तो बना के नहीं दिखाऊं, समझ गए? तो हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, हमने प्रॉफिट में से सैलरी पे कर दी और हमने कमीशन पे कर दिया, तो जितने रुपए बचे दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर। चलो, तो 52,300 को अब 2:2:1 में आप बांटो और मुझे भी बताओ, बीस हजार नौ सौ बीस, 10,460। अब फाइनल आंसर निकाल लो, तो ए का कितना बचेगा? ए का तो बचेगा नेगेटिव 16,080, 16,080। बी का पॉजिटिव बचेगा, बी का पॉजिटिव कितना बच रहा है? 14,253 पॉजिटिव।
और सी का, सी का क्या बच रहा है? 1827 पॉजिटिव, तो ये हो गया जी। तो अब क्या होगी जर्नल एंट्री फाइनल? सही। तो एज करंट अकाउंट लिखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इनके कैपिटल्स फिक्स्ड दे रखे थे हमने शुरू में मार्क करा था। तो ए को डेबिट कर देते हैं 16,080, बी को क्रेडिट कर देते हैं 14,253, और सी को भी क्रेडिट कर देते हैं 1827। तो ये बन गया जी आपका आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 64, चलो तो ये पढ़ते हैं। 64 पर पहले से ही स्टार लगा ही लो, मुझे पता है ये तो स्टार क्वेश्चन है। ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च का मतलब होता है साल का आखिरी दिन। ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी कॉमा क्यू एंड आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹40,000, ₹30,000 एंड ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च को पी क्यू और आर के कैपिटल के बैलेंस जो हैं वो हैं 40,000, 30,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल्स आपको दे रखे हैं ये कौन से कैपिटल्स दे रखे हैं? क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। तीनों फिगर्स कौन सी कैपिटल्स दे रखी हैं? क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड, बाद में पता चला, क्या पता चला? दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% हैड बीन ओमिटेड। तो एक कौन सी गलती हो गई इसमें हमसे? ओमिशन। तो गलती तो चलो पता चल गई कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फिर वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 60,000। हमने 60,000 का प्रॉफिट कमाया एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन पी की 10,000 ड्रॉइंग, क्यू की ₹7,500 ड्रॉइंग, आर की ₹4,500 ड्रॉइंग, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर इज 3:2:1। चलो ठीक है, तो सवाल तो खत्म। वो कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाना, तो 3 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। तो पी क्यू आर चलो स्टेप आप बताओगे। वेरी गुड भाई, इसमें तो एक ही गलती है छोटी सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हम, तो आईओसी क्रेडिट या इंटरेस्ट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो इंटरेस्ट कितने परसेंट देना भूल गए? 5%। तो 5% इंटरेस्ट बताओ कितना कितना आएगा? तो ये बातें आपको कैसे पता? तो ये याद है आपको? तो ओ माय गॉड, मैं तो सोच रहा था बच्चे सीधा आंसर बताएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है वो हम क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकालते, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ये बात बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने पहले पढ़ाई थी, तो आप सबको याद है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, राइट? चलो तो आओ मेरे साथ, तो इस टेबल के नीचे एक और टेबल बनाएंगे हम, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम ये टेबल भर नहीं सकते। तो अब आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पी क्यू आर। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो सर हमें याद है ही नहीं, तो फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या?
ड्राइंग्स। और माइनस क्या? प्रॉफिट्स। बाकी चीज़ें हैं नहीं ना सवाल में, तो वो छोड़ो। चलो तो अब ये लिख लेते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमको दे रखी है सवाल ने, वो कितनी दे रखी है हमको तीनों पार्टनर्स की, देख लेते हैं एक बार, 40, 30 और 20। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल है 40, 30 और 20। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है तीनों पार्टनर्स की? 10,000, 7,500 और 4,500। ठीक है, और प्रॉफिट्स कितने हैं फॉर्म के जो दे रखे हैं? पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। 60,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या दे रखा है? 3:2:1। तो प्रॉफिट्स माइनस करो तीनों में से, कितने कितने होंगे? 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये पता चल गई जी ओपनिंग कैपिटल, ये पता चल गई जी ओपनिंग कैपिटल, बताइए कितनी? 20, 17,500 और 14,500। वेरी गुड। तो ये बच्चों ओपनिंग कैपिटल आपकी, अब आइए, क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक? ओके, तो अब इस ओपनिंग कैपिटल पर आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी की ओपनिंग कैपिटल है 20,000, तो 20,000 का 5% 1,000। क्यू की ओपनिंग कैपिटल 17,500, उसका 5% 875। और आर की ओपनिंग कैपिटल 14,500, उसका 5% 725। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ तक, फिर मुझे बता दो यहाँ तक सबको ओके है, यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं? चलो ठीक है, तो ये बस हो गया काम। अब इस इंटरेस्ट को ले चलते हैं ऊपर अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ, मतलब मेन एडजस्टमेंट टेबल की तरफ। तो 1,875 और 725, 1,875 और 725, ठीक है, क्लियर। तो हमने तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, अब अगला स्टेप क्या था? ऐड कर लेते हैं तीनों को, ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा तीनों को ऐड करके? 2600 ही आएगा पक्का? ठीक है, तो 2600 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे? अब हम डेबिट कर लेंगे। ये आपका एग्जांपल वन है जो शुरू शुरू में सिखाया था, यही तो था ओमिशन, इंटरेस्ट देना भूल गए, तो यही तो थे स्टेप। तो इंटरेस्ट देने के बाद सबको ऐड करके फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस ले लो उनसे। तो 2600 को 3:2:1 में भाग दो, 1300 और अगले का 866.6 आ रहा है, तो राउंड फिगर 867 कर ली। और तीसरे का 433। चलो ठीक है, तो P का मैं बताऊंगा आंसर, Q और R के आप बताओगे। तो अब आंसर निकालते, तो P का आ रहा है, मेरा तो आ रहा है -300। अब Q का आप बताओ,
8 रुपये पॉजिटिव, और आर का आप बताओ? 292 पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 रुपये, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 292 रुपये। तो कितना बढ़िया हो गया सवाल, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, क्वेश्चन 59, इस पे आप सी का सिंबल बना लेना, यानी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, धमाकेदार, ये एग्जाम में करके जाना है हमेशा, जब भी टेस्ट होगा स्कूल में रिवाइज करके जाना है ये वाला क्वेश्चन। चलो तो पढ़ते हैं। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ऑन 31st मार्च, 31st मार्च का मतलब क्लोजिंग वाला दिन है ये। ऑन 31st मार्च आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कौन सी कैपिटल्स हैं इनकी? क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑन 1st मे, 1st मे वाले दिन सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। तो ये कहानी आपने बहुत शुरू शुरू में पढ़ी थी इस तरह की। एंड बीर विड्र्यू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो 1st मे वाले दिन एक इवेंट हुआ है, ध्यान रखना भाई, सिमरत ने 1,20,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और बीर ने 60,000 रुपये यानी 60,000 रुपये विड्रॉ करे। तो 1 मे को कुछ इवेंट हुआ है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2021 सिमरत विड्र्यू 2,040 फ्रॉम हर कैपिटल। अब 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करे हैं 2,40,000 रुपये अपनी कैपिटल से, एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करें। तो सबको कहानी समझ आ रही है यहां तक? तो मतलब कुछ इवेंट्स हुए हैं 2 तारीखों पर अलग अलग। फिर लिखा है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। ओके, अब गलती क्या हुई वो अब आगे आ रही है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमेटेड। ओ माई गॉड, तो गलती क्या है इसमें? ओमिशन, तो सेम एरर है प्रीवियस एग्जांपल की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 2,40,000। प्रॉफिट कितना था? 2,40,000। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन सिमरत की 1,20,000 और बीर की 60, और पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स थी 1,20,000 और 60। कॉम्प्यूट, तो कह रहा है कॉम्प्यूट करो, मतलब इसमें ये कोई एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें तो आपसे क्या कॉम्प्यूट करवा रहा है बस, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्प्यूट करो भाई। इफ, अगर कैपिटल्स आर, पहला केस है फिक्स्ड एंड बी दूसरा केस है फ्लक्चुएटिंग। तो बेसिकली सवाल में दो अलग अलग केसेस हैं, तो एक बार हम मानेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है और एक बार हम मानेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और फिर हमें इंटरेस्ट को कॉम्प्यूट करना है, ठीक है। चलो तो करें साथ साथ, आओ तो लिखो सॉल्यूशन। तो ऐसा करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। तो पहले हम केस ए ले लेते हैं, फिक्स्ड वाला। चलो ठीक है सर। तो सर सिमरन और बीर दो ही है ना, सिमरत और बीर, सॉरी दो पार्टनर हैं एस और बी, हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है जी, हमें इनकी क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखो ढांचे में क्लोजिंग कैपिटल 480 और 6 लाख, 480 और 6 लाख।
तो क्या मैं इसी पर सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं 6%? नहीं, ये सबको क्लियर है बात। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। चलो तो इतना तो बच्चे सीख गए। अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ फिक्स्ड वाले केस में। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट्स। वेरी गुड। थप्पड़ मारो इतनी तेज खींच के अपने गाल पर कि आवाज जो है वो रिकॉर्डिंग में भी आनी चाहिए। जल्दी से। तो आवाज आई नहीं थप्पड़ की। तो बताओ थप्पड़ क्यों लगना चाहिए इन्हें? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड है। तो सर भूल चुके हैं कि इसमें प्रॉफिट श्रॉफिट बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखी जाती है। इसमें कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो सर ये ध्यान रखना है आपको सब बच्चों को, ठीक है? तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है। अच्छा चलो ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। चलो तो अब सिमरत का बताओ, सिमरत का विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एस का विड्रॉल कितना है और बी का कितना है? चलो दोनों का ही बताओ सवाल में से देख कर। सिमरत ने विड्रॉ करे हैं 240 और बीर ने करे हैं 60। ठीक है, तो सिमरत ने विड्रॉ करे हैं 240 और बीर ने करे हैं 60। ठीक है, फिर एडिशनल कैपिटल भी बताओ। सिमरत ने 120 और बीर ने 3 लाख। सिमरत ने 120 और बीर ने 3 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल सिमरत की बताओ कितनी? 6 लाख। और बीर की भी आप बताओ? 3,60,000। तो अलग नशे में चल रहे हैं बच्चे। तो 3,60,000। ओके, अब उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम देना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे, आपको मिलेगा 6 मिनट का समय और मैं आ रहा हूँ आपके पास आंसर चेक करने। तो सिमरत की और बीर की दोनों की निकालनी है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सवाल मैं लगा रहा हूँ, फिर आप निकालना सिमरत का और बीर का। चलो करो। चलो तो आंसर तो आपने बता दिया, अब देखते हैं। देखो अब मैं पहले यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे ओपनिंग कैपिटल तक, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना सिमरत के बारे में। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल देखो आपने निकाली 6 लाख, राइट? 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी है? 6 लाख। फिर 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,20,000। तो बताओ सिमरत की कैपिटल कितनी बन गई होगी? 7,20,000 बन गई होगी। ये सबको याद आ गया, 1 महीना हो गया। फिर 1 मई के बाद 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करे हैं 2,40,000। तो जब सिमरत ने 2,40,000 विड्रॉ करे तो अब सिमरत की कैपिटल कितनी बन गई होगी? 4,80,000। तो आप ये बताओ, आपको याद आया, ये सिखाए थे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके ऐसे डायग्राम बनवा के। तो हमें 6 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 1 मंथ, फिर 7,20,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 5 मंथ्स, और फिर 4,80,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिमरत का सही आंसर आ जाएगा 35,400। तो सही बताया श्रीमती, नहीं श्रीमती नहीं, श्री ऋषिका जी ने। वेरी गुड, ठीक है। तो 35,400। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? जिसका नहीं हुआ था उन्हें क्लियर हो गया मेनली? चलो ठीक है। बस इसी तरह आपको किसका निकालना था? बीर का। इसी सेम तरह से निकालना है आपको बीर का। तो पहले आप ये नोट कर लो। चलो अब इसी तरह बीर का भी चेक कर लेते हैं। बीर का देखो सेम ही कहानी है,
बीर की ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी निकाली आपने? 3,60,000। फिर उसने 1 मई को 60,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 3,00,000। फिर उसने 1 अक्टूबर को 3,00,000 रुपए एडिशनल इंट्रोड्यूस करे, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 6,00,000। तो आपको फिर से वही समय के अनुसार जो सिखाया था पहले, वैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट बीर का भी करना है। तो 3,60,000 पर आप इंटरेस्ट निकालोगे फॉर 1 मंथ, फिर 3,00,000 पर आप इंटरेस्ट निकालोगे फॉर 5 मंथ्स, और फिर 6,00,000 पर आप इंटरेस्ट निकालोगे फॉर 6 मंथ्स। क्लियर हो गया? तो चेपो फटाफट जल्दी से, और चेपने के बाद अपने पड़ोसी से सब पूछना कि तुमने चेप लिया भाई। चलो ठीक है, तो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि सबने कर लिया सॉल्व। तो ये तो हो गया जी आपका पहला केस, कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल का। अब दूसरा केस है कि सेम ही सवाल है, लेकिन इस बार कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? फ्लक्चुएटेड। तो केस बी लिख लेते हैं। केस बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम केस बी सॉल्व करते हैं। सिमरत और बीर, सिमरत और बीर, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है जी सिमरत और बीर का। कितना दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल? 480 और 6,00,000। तो इसी पे सीधा निकाल दें हम 6%? नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला प्लस ड्रॉइंग्स प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ओके, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगी ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा काम है सिर्फ ओपनिंग कैपिटल तक चिपवाना, उसके आगे मैं फिर आपको छोड़ दूंगा। फिर वही सिमरत और बीर की इंटरेस्ट आपको ही निकालनी होगी। तो ड्राइंग्स पहले आप बताओ, सिमरत और बीर की कितनी कितनी थी? 120 और 60 है ना, लास्ट में दे रखा था ये। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितनी कितनी थी? 2,40,000 और 60। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी कितनी थी? 1,20,000 और 3,00,000, ये माइनस कर दो। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 36,000 है प्रॉफिट। कहाँ 36 थोड़ी ना, 2,40,000 है। और रेशो कितना है? 3:2। तो सिमरत और बीर का बताओ प्रॉफिट कितना कितना आएगा? 1,44,000 और 96,000। तो इसको सॉल्व करके ओपनिंग कैपिटल आप बताओगे। तो एस का तो आ रहा है 576, ठीक है, और बीर का 324। चलो ठीक, तो अब अगले 5 मिनट आपके अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाइए और इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। चलो तो चेक कर लेते हैं जिन्होंने करा सही कर लिया। वैसे तो देखो मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल सिमरत की 576 तो पता है हमको, एक बार इधर बना देता हूँ। चलो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल 576 निकल गई, बोलो हाँ। फर्स्ट मई को सिमरत ने क्या करा बताओ?
फर्स्ट मे को सिमरत ने क्या करा था? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, कितने रुपए? 1,20,000। तो अब ये बताओ फर्स्ट मे को सिमरत की कैपिटल कितनी हो गई होगी? ठीक है, तो ये सब बच्चों को बात समझ आती है कि नहीं? ये क्लियर हो गया है? ठीक है, फिर उसके बाद सिमरत ने 1 अक्टूबर को कितने रुपए विड्रॉ करे? 2,40,000। तो 696 में से 240 उसने विड्रॉ कर लिया, तो कितनी कैपिटल बच गई? 4,56,000। ठीक है, बस उसके बाद तो और कुछ नहीं करा। तो क्या आपने 576 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा एक महीने का, 696 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 5 महीने का, और 456 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 6 महीने का? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सही बताया आपने आंसर, मेरा भी यही आ रहा है। तो सिमरत का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका आंसर 33,960। ठीक, ये रिकैलकुलेशन जिसको चेक करना है वो कर सकता है। तो 5,76,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट, 6,96,000 पर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, और 456 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्लियर हो गए सब बच्चों को? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? फिर इसी तरह बीर का कितना आंसर आया? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट बीर के लिए 25,140। तो बीर की ओपनिंग कैपिटल हमें पता थी 3,24,000, उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट, फिर उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया था, है ना, 60,000। तो 2,64,000 उसकी कैपिटल हो गई, उस पर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, और फिर उसने 3,00,000 रुपये एडिशनल इंट्रोड्यूस करा था, तो उसकी कैपिटल बन गई 5,64,000। तो 5,64,000 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो ये आप वर्किंग चेक सकते हो और सॉल्व करके बीर का इंटरेस्ट आ जाएगा 25,140। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।